बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू हाउ टू कंप्रेस लार्ज वीडियोस एंड टू स्मॉल वीडियोस। मैं आपको बता दूं आज की वीडियो शुरू करने से पहले कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मैं वीडियो अपलोड कर रहा था लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा होने की वजह से मैं वो पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पेश आई कि अगर इस वीडियो का साइज़ कम हो जाए तो फिर ये वीडियो इजीली अपलोड हो सकती है। तो इसलिए मैंने सर्च की। सर्च करने के बाद मुझे एक सॉफ्टवेयर मिला जिसका नाम भी मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा। तो उस टूल की मदद से हम लोग वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 10 GB की वीडियो भी होगी तो वो 2-2.5 GB पे आ जाएगी, 2 GB पे आ जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मैसर हो जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने सॉफ्टवेयर खोला, यहाँ पे मुझे अपनी जो मेरी वीडियो होगी लार्ज वीडियो होगी, मैं अभी छोटी वीडियो को कंप्रेस करूँगा क्योंकि लार्ज वीडियो को कंप्रेस करने के लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा और उसमें फिर वो हो सकता है आधे पौने घंटे तक वीडियो चली जाए, आप बोर हो जाएंगे। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर का नाम है हैंड ब्रेक। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से आप फाइल को ओपन भी कर सकते हैं और इसको ड्रैग करके भी ला सकते हैं। तो मैं फाइल को ड्रैग करके लाने लगा हूँ। ये देखिए, ये मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, जो मेरे पास बड़ी वीडियो है मैं उसको उठा लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये 1,50,000 KB की फाइल है, तो मैं इसको उठा के ले आया, उस सॉफ्टवेयर मैंने इसको अप कर दिया। अब ये आ गया। अब हमने इसमें क्या करना है, इसका हमने यहाँ पे पाथ देना है। इसको आप जिस फॉर्मेट पे लाना चाहें उस फॉर्मेट पे लेकर आ सकते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी से पाथ भी दे सकते हैं कि आपने कहाँ पे रखना है इसको। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ माय डॉक्यूमेंट्स में रख दिया टाइटल 1 के नाम से, या टाइटल 1 के नाम से इसको मैं सेव करूँगा। यहाँ पर मैं इसका ये MP4 भी है, इसको मैं MP4 कर देता हूँ ताकि हमारा फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट नज़र ना आए। ये हो गया। तो अब हमने क्या करना है इसको कि हमने इसके मुख्तलिफ टूल्स हैं, सोर्स है, ओपन सोर्स है, हम इसके कोडिंग चेंज कर सकते हैं। टूल्स में जाके हम इसके सीक्वेंस को देख सकते हैं, लॉग्स को देख सकते हैं, प्रेफरेंस देख सकते हैं, प्रीसेट्स देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से करना है। लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं सिंपल करता हूं कि जब मैंने इस वीडियो को यहां पे अपलोड कर लिया है इस सॉफ्टवेयर में, तो मैं यहां स्टार्ट का बटन प्रेस करता हूं तो ये वीडियो स्टार्ट होना, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, इसकी कोडिंग जो है वो नीचे आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कितने परसेंट हो गई है और कितने परसेंट रह गई है। तो इसलिए मैंने इसको छोटी वीडियो को लगाया था। आप याद रखिए कि ये वीडियो 185,000 KB की है। तो अभी देखते हैं कि ये कितनी देर में कंप्रेस होती है। मैं अपने वीडियो को पास कर रहा हूँ ताकि आपको ये आपका टाइम ज़ाया ना हो। जी, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, 99%। ये देखिए 100% होगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका साइज़ क्या रह गया है। पहले था 185,000 KB, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइज़ क्या रह गया है। ये मैंने माय डॉक्यूमेंट्स में इसको रखा था, इसका साइज़ रह गया 19,000 KB। तो ये वीडियो कंप्रेस हो चुकी है, इसमें कोई चीज़ आगे पीछे नहीं है और सेम ड्यूरेशन की ये वीडियो है। ये नहीं है कि ड्यूरेशन इसका कम हो गया, ड्यूरेशन भी सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ इसकी जो साइज़ है
वॉल्यूम है वीडियो का वो कम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।